मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे, उनके माता पिता, स्वेट स्माइल से जुड़े हुए सभी सदस्य, आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज स्वेट स्माइल फाउंडेशन को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2019 की बात है जब संस्था का शुरू की गई थी। मन में बस एक विचार था कि कुछ करना है, ना कुछ पता था कैसे करना है, कौन करेगा, क्या करेगा। केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शुरुआत की थी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। पिछले वर्ष मार्च में जब लॉकडाउन लगा, बड़ा ही मन अफसोस हुआ सभी का कि अब बच्चों की शिक्षा पर कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि एक साल जो मेहनत की थी, बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया था, वो पढ़ने लगे थे, एक नई जिंदगी उनको मिल गई थी, पर लॉकडाउन के कारण उनकी शिक्षा बंद हो गई। बच्चों को राशन पानी की दिक्कत भी आई। संस्था ने फिर हिम्मत जुटाई और उनको राशन पानी पहुंचाया। कुछ महीनों बाद बच्चों की शिक्षा भी शुरू करी, ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करी। एक दो बच्चों के पास ही मोबाइल फोन थे, लेकिन हम ज्यादा कामयाब ना हो पाए। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई। टीम के सदस्य को भी हम नहीं कह सकते थे आप आइए, विलिंगली जो आना चाहता था, कुछ ही केवल 4-5 सदस्य थे जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। बच्चों को पढ़ाने आते थे और धीरे धीरे हम ऐसे ही आगे बढ़ते गए। एक बार फिर बच्चों की झुग्गियाँ जो बनी हुई थी, वो गवर्नमेंट का लैंड नहीं था, वो उनकी नहीं थी, मतलब अलग जगह पर बनी हुई थी, तो वो भी टूट गई। उससे भी हमारा दिल बड़ा टूटा कि अब तो क्या होगा, बच्चे भी चले जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनको हम कैसे पढ़ाएंगे। फिर भी धीरे धीरे हमने हिम्मत जुटाई और सब मेंबर्स ने मिलके बच्चे जहाँ भी शिफ्ट हुए, फाजिलपुर गांव में, सेक्टर 27 में, सिद्धार्थ कॉलोनी में, वहाँ भी उनको शिक्षा देने के लिए पहुँचते हैं। धीरे धीरे इसी तरह कार्रवाई चल रहा है। बच्चों को रोजाना पढ़ाया जाता है। अभी स्प्रेड स्माइल द्वारा 7 स्थानों पर निःशुल्क पाठशाला चलाई जा रही है, जिसमें 50 से भी अधिक वॉलेंटियर्स फ्री में शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। इसके साथ साथ उनको संस्कार भी देते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करने का केवल एक ही पर्पस है कि बच्चों को स्टेज पे आने का अवसर मिले, उनका कॉन्फिडेंस बने, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं ये कमी अपने स्कूल में महसूस की कि अगर हम आगे नहीं बढ़ सके, पर इन बच्चों का कॉन्फिडेंस हम बनाएं कि ये भी आगे, गर्व से आगे बढ़े। रोजाना बच्चों को पढ़ाते हैं, ये फ्री सेवा है। जितने भी वॉलेंटियर्स हैं वो अपनी सर्विस यहाँ पर देते हैं। संस्था से 50 से भी अधिक युवा सदस्य जुड़े हुए हैं और सीनियर मेंबर्स की देखरेख में सारा कार्य होता है। मैं डीसी सर से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, अगर उनको कभी भी जरूरत है युवाओं की, तो आपको यहाँ सर्वश्रेष्ठ युवा मिलेंगे जो आपके किसी भी कार्य में योगदान देने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। इस मौके पर पहुंचने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन।